कि आप कहीं कहीं प्रदेश की जनता से कुछ छुपा रहे हो। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि लाल डायरी का काला सच क्या है। जब लाल डायरी की चर्चा आई तो आपने तुरंत एक्शन ले लिया और आप कह रहे हो उनको सलाखों के पीछे भेज देंगे। उन्होंने आपको पहला आईना दिखा दिया है। क्या जिक्र है वो सारा का सारा धर्मेंद्र राठौड़ जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सुपुत्र का भी उसमें संज्ञान है, नाम है। तो क्या उस पर कार्रवाई करेंगे आप? क्या इसके बारे में प्रदेश की जनता को बताएंगे? आखिर क्यों आरसीए का और बाकी अन्य चीजों का सारा लेखा जोखा है, उसमें आपका क्या संबंध है कि आप कहीं कहीं प्रदेश की जनता से कुछ छुपा रहे हो? प्रदेश की जनता जानना चाहती है लाल डायरी का काला सच क्या है। आप और उन्होंने तो इसकी शुरुआत की है, आज पहला पन्ना जारी किया है और उन्होंने कहा कि अभी देखते रहिए, इसमें बहुत सारे राज छिपे हैं। इसमें कहीं कहीं मुख्यमंत्री जी आपके भ्रष्टाचार, जो 4.5 वर्ष में आपने राजस्थान की जनता को लूटा है, उसका काला सच इसमें डायरी में है। तो राजस्थान की जनता चाहती है कि आप मौन क्यों हैं? अब बताएं इस लाल डायरी के बारे में। आपने कहा कि ये खाली एक काल्पनिक है। मैं टास्क देता हूं, धर्मेंद्र राठौड़ जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ डायरी मेरे यहाँ से गई, तो ये काल्पनिक कैसे हो सकती? आखिर इस लाल डायरी में क्या है कि जिससे आपको डर लग रहा है? तो अब राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है। राजस्थान अभियान आपका कल प्रदर्शन जयपुर में हो चुका है, अब आगे की किस प्रकार की रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ चुनाव में बल्कि अनवरत रूप से संगठनात्मक कार्यक्रम भी, रचनात्मक कार्यक्रम भी और सेवा के कार्यक्रम अपने हाथ से लेती है और उस काम को अंजाम तक पहुंचाती है। पार्टी लगातार, आपने देखा होगा, कोविड पैंडेमिक से लेकर अन्य कामों में भी पार्टी के सेवा के कामों में हमेशा अग्रणी रही है। और अभी हमारे नहीं सहेगा राजस्थान, राजस्थान में जिस प्रकार की अराजकता है, लचर कानून व्यवस्था है, महिला युवा किसान विरोधी सरकार है, दलित आदिवासी विरोधी सरकार है, जिस सरकार से वादा खिलाफी राजस्थान की जनता से की है, वो नहीं सहेगा राजस्थान। एक कैंपेन शुरू हुआ था 1 तारीख को, एक ऐतिहासिक आंदोलन जयपुर की धरती पर हुआ। अब आने वाले समय में हम लोग, हमारे अलग अलग मोर्चों के कार्यक्रम भी रहेंगे। हमारा 15 अगस्त आ रहा है, चूंकि पहले हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में तिरंगा यात्रा भी निकली थी, तो ऐसे अनेक कार्यक्रम होंगे जो मोर्चे भी करेंगे, पार्टी के द्वारा भी होंगे। ये पूरी एक लंबी श्रृंखला है जिसकी जानकारी बहुत जल्दी हम आपको। प्रधानमंत्री के दौरे सियासी हैं, जबकि संवैधानिक रूप से उन्हें रहना चाहिए उस पर। ये सियासी दौरे आपके और आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों के होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी इन 9 सालों में 24 में से 18 घंटे इस देश को अपना परिवार मानकर काम किया, एक दिन भी अपने लिए छुट्टी नहीं ली, 1 घंटे के लिए भी नहीं ली। आप जैसे नहीं है जो कई नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, कई दिन बाहर विदेश में जाके आते हैं, फिर देश में आकर कुछ 2-4 ट्वीट करके अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ तो 24 घंटे इस देश को अपना परिवार मान के काम करते हैं। इसीलिए इन्होंने 9 वर्षों में जिन योजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनका उद्घाटन भी उनके हाथों से हो रहा है। और ऐसे ही कई काम और आने वाले समय में होने वाले हैं जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उद्घाटन। देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशन अमृत योजना में दिए हैं। उनमें से 82 का ही, उनमें से 52 स्टेशन पर वर्चुअली प्रोग्राम होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन रहेगा और वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं जो उद्घाटन के कगार पर है। तो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का और भी सानिध्य राजस्थान को मिलने वाला है।